हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसन की सब्जी कैसे बनाते हैं बिना छाने हुए। तो आइए, हमें बेसन की सब्जी में क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसे हम देखते हैं। तो मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया हुआ है काट के, देख सकते हैं आप। मैंने दो मिर्च काट ली है और मैंने लहसुन अदरक को ज्यादा नहीं कूटा है, बस मीडियम में रखा हुआ है, ज्यादा मही नहीं करना है इसको। और हल्दी का पाउडर लिया हुआ है, ये मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला लिया है, और ये मैंने मिर्ची ली है, मिर्ची का पाउडर, ये मैंने नमक लिया है, और ये है जीरा मिर्च का पाउडर। और हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मेन है बेसन। आप देख सकते हैं मैंने 100 से 150 ग्राम लगभग बेसन लिया हुआ है, और एक मैंने बड़ा कटा हुआ टमाटर लिया है। और मुझे जरूरत पड़ेगी तेल की, तो मैंने सरसों तेल में यूज करूंगी सरसों तेल। और हमें पानी की जरूरत पड़ेगी अभी, तो मैंने एक ग्लास पानी भी ले लिया है। तो आइए हम बेसन की सब्जी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बेसन लिया हुआ है मैंने 100 से 150 ग्राम, ये बेसन है। और इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, ज्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा कम डालना है, क्योंकि हम मसाले में भी नमक डालेंगे, तो मैंने इतना सा नमक ले लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे मिर्ची पाउडर, ज्यादा नहीं डालना है। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो डाल सकते हैं, वैसे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाल दिया है, और हल्की सी मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ, एकदम थोड़ी सी, क्योंकि अच्छा कलर आएगा। और इसमें मैं लगभग एक चम्मच तेल डाल देती हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले इसे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि तेल अच्छे से पूरे बेसन में नमक तेल मसाला जो मैंने डाला है वो अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे ही इसको भी गूंथना है, लेकिन ज्यादा गीला नहीं करना है, हल्का कड़ा रखना है। रोटी के लिए जैसे आटा सानते हैं उससे थोड़ा सा कड़ा रखना है। देखिए मैंने ये बेसन को गूंथ लिया है अच्छे से, देखिए कितना कड़ा है। इसको ज्यादा पानी डाल के, एकदम हल्का हल्का पानी डाल के इसे गूंथ लेना है। देखिए मेरा हो गया है, अब मैं इसे गोल गोल करती हूँ। इसे दो भाग में बांट लीजिए, क्योंकि इसे पकाना भी पड़ता है, तो अच्छे से ये पक जाएगा। इस तरीके से कर लेना है हमें। देखिए ऐसे हमको बना लेना है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अगर वीडियो कोई डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाते हैं बेसन की सब्जी। हम सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं, मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है और ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है। तो हमने ये जो कि बेसन की लोई बनाई थी, अब हम इसमें पानी में डाल देंगे, दोनों डाल देंगे, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और जब ये अच्छे से उबल जाए और पक जाए तो इसे 5 मिनट के बाद, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के बाद हम इसे उतार लेंगे। देखिए इसे मैंने 5 मिनट उबाल लिया है, और देखिए अब अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप। तो हम अब गैस बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। अब मैंने देखिए इसे पानी से निकाल लिया है, अब हम इसको छोटा छोटा पीस कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हम इसे अब छोटा छोटा पीस कर लेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं मैंने अब इसे छोटा छोटा पीस कर लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे,
थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और हम इसमें बेसन डाल देंगे जो हमने काट के रखा हुआ था, और इसे आप 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ज्यादा कड़ा नहीं करना है इसे। देखिए यह फ्राई हो चुका है, इसे ज्यादा नहीं लाल करना, मीडियम में करना है। अब ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम कढ़ाई में 2 चम्मच लगभग तेल डालेंगे। और इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज के साथ ही हम मिर्ची डाल देंगे क्योंकि प्याज के साथ मिर्ची डालने से ये उड़ता नहीं है। अब हम इसे प्याज को अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स मसाला लाल हो चुका है, मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब ये लाल हो चुका है तो हम इसमें अब पानी डाल देंगे। पानी 1 गिलास लगभग डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें जो मैंने बेसन फ्राई करके रखा हुआ था ये अब हम इसको इसी मसाले के पानी में डाल देंगे। और इसको अब हम 5-6 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये सब्जी हो चुकी है तो अब हम गैस बंद कर देंगे। सब्जी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स सब्जी मैं सर्व कर रही हूँ, सब्जी देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप लोग भी घर में जरूर ट्राई करें सब्जी एक नए तरीके से बनाएं। हमेशा हम छान के सब्जी बनाते हैं बेसन की, एक बार इसे ट्राई करें बहुत अच्छी लगेगी आपको खाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।